बॉलीवुड में कई सारे एक्टर्स ऐसे रहे हैं जिन्हें उनके रोल्स या फिर परफॉर्मेंस की वजह से किसी खास किस्म के टैग से जोड़ दिया गया है। ऐसा ही देखने को मिला है बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी के साथ। इमरान हाशमी बॉलीवुड के ट्रेंड सेंटर एक्टर माने जाते हैं। किसी फिल्म में अगर इमरान हाशमी है तो वह इस बात की गारंटी होती है कि फिल्म में अगर ज्यादा इंटीमेट सीन ना भी हुआ तो किसिंग सीन तो जरूर ही होगा। फैंस भी इमरान हाशमी की फिल्मों का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं, मगर फिल्मों में बेबाकी से किसिंग सीन देने वाले इमरान हाशमी ने अचानक ऐसा करना बंद क्यों कर दिया? क्या वो सीरियल केसर नहीं रहे हैं? एक्टर के जन्मदिन के मौके पर आइए जानते हैं सारे सवालों के जवाब। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि इमरान हाशमी का जन्म 24 मार्च 1979 मुंबई में हुआ था। एक्टर ने साल 2002 में राज फिल्म से असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका निभा रहे अपने करियर की शुरुआत की थी। साल 2003 में फुटपाथ फिल्म में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। मर्डर, जहर, आशिक बनाया आपने, चॉकलेट, कलयुग, गैंगस्टर, अक्सर, गुड बॉय बैड बॉय, आवारापन, द ट्रेन, राज, जन्नत, क्रूक, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, मर्डर 2, जन्नत 2 और डर्टी पिक्चर जैसी फिल्मों में काम किया है। मगर धीरे धीरे ऐसा देखने को मिला है कि इंटीमेट सीन और किसिंग सीन करने वाले इमरान हाशमी ने फिल्मों में किसिंग सीन्स करने बंद कर दिए। भले ही आज भी उनके साथ ये टैग पूरी तरह से गया नहीं है, मगर असलियत यही है कि अब इमरान हाशमी फिल्मों में किसिंग सीन्स नहीं देते हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि वो संघाई, एक तिदायन, घनचक्कर, उंगली, हमारी अधूरी कहानी, अजहर, बादशाह, वेलकम टू न्यूयॉर्क, वाह, चीट इंडिया, मुंबई सागर, द बॉडी जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं, लेकिन विरले ही इन फिल्मों में एक्टर के किसिंग सीन देखने को मिले हैं। इसके अलावा आगे वो चेहरे, गंगूबाई काठियावाड़ी, अजरा जैसे फिल्मों का भी हिस्सा है। दरअसल एक रिपोर्ट की माने तो इमरान हाशमी को ऐसा लगता है कि फिल्मों में किसिंग सीन्स की वैल्यू घट गई है। कुछ सालों पहले लोग किसिंग सीन्स के खिलाफ हुआ करते थे, ऐसा इंडस्ट्री के अंदर भी होता था, मगर अब बेहद ही कॉमन सी बात हो गई है। साथ ही एक्टर का ये भी मानना था कि ऐसा होने लगा था कि उनके फिल्म का कंटेंट भले ही कितना अच्छा क्यों ना हो, मगर हाईलाइट सिर्फ किसिंग सीन्स ही होते थे। ये बात इमरान हाशमी को जरा अनफेयर लगने लगी, मगर एक्टर इस बात से खुश है कि इंडस्ट्री में अब भी बाकी एक्टर्स भी किसिंग सीन्स करने को लेकर काफी कम्फर्टेबल है। पर्सनल लाइफ की बात करें दोस्तों तो इमरान हाशमी अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज्यादा प्राइवेट रखते हैं। साल 2006 में परवेज शामी से उन्होंने शादी कर ली। इस शादी से उन्हें एक बेटा भी है जिसके साथ इमरान हाशमी अक्सर फोटो शेयर करते रहते हैं। वहीं उनका रिश्ता बॉलीवुड के दिग्गज भट्ट परिवार से भी है। महेश भट्ट और मुकेश भट्ट रिश्ते में इमरान हाशमी के अंकल लगते हैं। आलिया भट्ट और पूजा भट्ट उनकी कजन सिस्टर्स हैं। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय? इमरान हाशमी को लेकर क्या कहेंगे? वेल, उनके बर्थडे पर आप उन्हें क्या विश देना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।